नमस्कार, दरभंगा लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूं दरभंगा के खास खबरों के साथ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 47वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए माननीय कुलपति सुरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, विश्वविद्यालय ने 47वें साल को अपना पूरा किया और इतिहास में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है। आज रोटरी क्लब ऑफ मिथिला के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को सहायता हेतु हनुमान नगर प्रखंड के गोडियारी पंचायत अंतर्गत मुस्तफापुर दलित टोले में राहत सामग्री वितरण किया गया। जिस नगर थाना क्षेत्र के बाजितपुर में रविवार की रात दो समुदाय के बीच उत्पन्न तनाव के बाद मोहल्ला छावनी में तब्दील हो गया। सूचना पाते ही कई थानों की पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची। जिला पदाधिकारी एवं एसएसपी को कैंप करना पड़ा। घटना शादी समारोह के लगे गेट को हटाने को लेकर मोहल्ले के युवक कांवड़िया संघ के कुछ सदस्यों के बीच तूतू मैमे हो गई। दरभंगा जिला के केवटी प्रखंड अंतर्गत अवस्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों ने जिला प्रशासन के आश्वासन पर मुख्य हड़ताल खत्म कर दिया। सभी छात्र आंदोलन समाप्त करके अध्ययन में वापस लौट गए हैं। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने बताया कि जिला के 2,93,123 बाढ़ प्रभावित परिवारों के खातों में 6,000 रुपया मुफ्त सहाय अनुदान भेजा दिया गया है। यह राशि 178,87,38,000 रुपया है। जिलाधिकारी दरभंगा ने बताया कि आज सुबह 7 बजे किरतपुर प्रखंड अंतर्गत एक पुल क्रॉसिंग के पास एक नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें एक युवती डूब गई। उसे निकालकर अस्पताल ले जा रहा था, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जिला पदाधिकारी दरभंगा द्वारा बताया गया कि अपर समर्थ विभागीय जांच दरभंगा श्री वीरेंद्र प्रसाद को जिला परिवहन पदाधिकारी दरभंगा की शक्ति प्रदान करने हेतु परिवहन विभाग बिहार को अनुशंसा भेज दी गई है। नेहरू युवा केंद्र दरभंगा में नए सदस्य बनाने के चयन प्रक्रिया में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत प्राप्त होने पर जिला अधिकारी दरभंगा द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है। 3 बच्चों को बचाने वाले कुंदन के परिजन को 4,00,000 रुपया आपदा सरकारी सहायता राशि चेक मृतक की मां को आज दिया गया। घनश्यामपुर अंचला अधिकारी दीनानाथ कुमार के द्वारा दिया गया। ये थी दिन भर की खबरें। आप देखते रहिए दरभंगा लाइव न्यूज। धन्यवाद।